हेलो गाइस, मैं अल्लाह रखा मकरानी वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल अल्लाह रखा बजरी पैरोट्स में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक काफी शानदार है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बजीज पैरोट्स के एग्स रखने के बाद हमें उसकी किस तरीके से केयर करना चाहिए ताकि सभी एग्स के अंदर से बजीज फीमेल आसानी से चिक्स निकाले और उसे कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा लेकिन इसके अंदर जो मैं टिप्स देने वाला हूं वो काफी बिगनर्स जो बजीज पालने वाले हैं उनके लिए काफी नॉलेजेबल है और वो अपने बजीज फीमेल से आसानी से एग्स में से चिक्स ले पाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर आता है दोस्तों येलो कलर का बल्ब। हाँ दोस्तों, बल्ब और एग्स का क्या लेना है तो इस वीडियो को देखिए, आपको हर डिटेल में मैं वीडियो बताऊंगा। एक एक छोटी सी गलती होती है हमसे जिससे हमारे बजीज फीमेल एग्स को खराब कर देती है। दोस्तों, येलो बल्ब जो होता है, अभी मौसम चल रहा है ठंडी का, ठंडी के मौसम के अंदर अगर आपने अपनी कॉलोनी या केज के अंदर मटकी रखी है तो मटकी होती है मिट्टी की और मिट्टी का बर्तन रात को जब ज्यादा ठंडी पड़ती है तो वो ज्यादा ठंडी हो जाती है मटकी, तो एग्स को जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर नहीं मिलता। बजीज फीमेल कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मटकी ज्यादा ठंडी होने की वजह से वो एग्स को सही तरीके से सह नहीं पाती। फीमेल्स को भी अंदर ठंडक लगती है जिसके वजह से वो टेम्परेचर सही तरीके से नहीं दे पाती और एग्स को भी टेम्परेचर नहीं मिल पाता और अंदर चिक्स नहीं बन पाते। तो हमें येलो कलर का बल्ब क्यों रखना है? येलो कलर का बल्ब जो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा अगर आप येलो कलर के बल्ब के नीचे रहते होंगे, आपके घर में होगा, या 10-15 मिनट अगर आप येलो कलर के बल्ब के पास में बैठ जाए तो वो आपको पूरा गर्म कर देता है। तो येलो जो बल्ब होता है वो काफी जल्दी, मतलब कि अपने पास में जो एरिया है, जो एरिया के अंदर येलो बल्ब है, वो रूम में है या किसी भी जगह है, तो उस जगह को वो गर्म कर देता है। तो आपने येलो कलर का बल्ब रखना है अपनी बजीज की कॉलोनी में अगर आपकी फीमेल ने एग्स रखे हैं, और अगर नहीं भी रखे तो आप येलो कलर का बल्ब रखिए क्योंकि वो जल्दी से अपने जो रूम है या जिस जगह पे है उस जगह को गर्म कर देता है। अब जबकि मटकी गर्म होगी तो फीमेल अच्छे तरीके से अंदर बैठेगी क्योंकि फीमेल को भी ठंडी नहीं लगेगी, अच्छे तरीके से एग्स पर बैठेगी, एग्स को भी जो टेम्परेचर मिलना चाहिए वो टेम्परेचर मिलेगा और उसकी वजह से एग्स के अंदर से चिक्स अच्छे तरीके से निकलेंगे। बजीज को ठंडी नहीं मिलेगी, एग्स को टेम्परेचर मिलेगा सही तरीके से, तो फिर उसमें से बच्चे निकलने के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बजीज फीमेल के एग्स ले करने के बाद में आपने येलो कलर का बल्ब उसके अंदर रखना है। अब जो आपका केज जितना ज्यादा बड़ा है उतना ज्यादा वोल्ट का आपने बल्ब रखना है। अगर कम पेयर है, 2-3 पेयर है, तो आप छोटे वोल्ट का बल्ब रख सकते हो। इस पर भी मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए, बाद में वहां पर जाकर उस वीडियो को भी अच्छे तरीके से वॉच कर लेना। अब नंबर दो पर आता है दोस्तों, काफी ज्यादा जो बिगनर्स है, हमारे नए बजीज पालने वाले मेरे भाई है, वो क्या करते हैं कि बजीज नए नए लाते हैं तो उन्होंने कभी बजीज फीमेल को एग्स रखते हुए नहीं देखा होता है। वो क्या करते हैं, रोजाना चेक करते हैं, मटकी के पास जाएंगे, मटकी के अंदर झांकेंगे क्या फीमेल ने एग्स ले करे, हमारी बजीज फीमेल ने एग्स ले करे, मटकी को झांकेंगे और इस दौरान फीमेल काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर सही तरीके से पता हो तो तोतों की दुनिया के अंदर बजीज पैरोट्स जो है वो सबसे ज्यादा शर्मीले पैरोट्स में गिनती आती है उनकी, यानी सबसे ज्यादा शर्माते हैं। कोई भी चीज उनके पास में आ जाती है तो वो अपना जो काम है उसको छोड़कर साइड पे छुप जाते हैं, किसी जगह भाग जाते हैं, तो वो शर्मीले पैरोट्स होते हैं, तो हमें उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी फीमेल ने एग्स ले करे हैं तो आप उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब से मतलब दोस्तों, आपने एक ही दिन में 5-6 मर्तबा चल गए, बार बार उसके अंडों को हाथ में पकड़ना, चेक करना, या अंडों को देखते रहना, या झांकना कि अंडे में से बच्चे निकले या नहीं निकले, या कितने एग्स दिए, यह सब चीजें हमें नहीं करना है। आप दिन में एक ही मर्तबा जाएंगे चलेगा, और वो भी एक मर्तबा आपने दाना पानी चेक करना है और एग्स पे दूर से नजर रखनी है, झांकना नहीं है, एग्स पे नजर रखनी है। जैसे कि मैंने आगे वीडियो में बताया था कि एग्स को चेक करना है अनफर्टाइल है या फर्टाइल है, तो आपने एग्स को चेक करते रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आप मटकी में जाएंगे, झांकेंगे और फीमेल्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये गलती आपने बजीज फीमेल के एग्स रखने के बाद नहीं करनी। मजा आया।